कि संसार की जितनी संपत्ति है उस संपत्ति से खुशी मिल सकती है और खुशी में दुख भी मिल सकता है। और मैं एक बड़ी बात कहूं, यदि तृप्ति नहीं है मन में तो वो खुशी भी दो कौड़ी की और वो दुख भी दो कौड़ी का। यदि तृप्ति चाहिए तो वो गुरु की जुबान से मिलती है, सत्संग से मिलती है, वो कथा से मिलती है, भगवान गुरु के प्रवचनों से मिलती है असली तृप्ति। तो महापुरुष, हमारा विश्वास हो सकता है कि हमें संपत्ति भी मिल जाए, हमारा विश्वास है गुरु में भगवान में तो हमें संपत्ति भी मिलेगी, लेकिन तृप्ति बिना सत्संग के नहीं मिलेगी। संपत्ति भले ही मिल जाए लेकिन तृप्ति, क्योंकि संपत्ति तो कभी कभी उनको भी मिल जाती है जिनके पास गुरु नहीं होते, लेकिन उन्हें तृप्ति नहीं मिलती। मैंने बड़े बड़े धनवानों के घर में आपस में लड़ाई होते हुए देखा है, पैसा की तो कमी ना, प्रॉपर्टी की तो कमी ना है, लेकिन क्यों ना है शांति भाई? क्योंकि तृप्ति नहीं है, और तृप्ति बिना सत्संग के नहीं होती है। तो महापुरुषों के, गुरु के वचनों से, सत्संग से असली तृप्ति मिलती है, आंतरिक तृप्ति मिलती है। बोलो शंकर भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की।